नमस्कार दोस्तों, ये हायर फ्रिज है कंपनी का है फ्रिज है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और आज जो इसकी जो बिजनेस पॉइंट है और जो बढ़िया है वो हम आपको दोनों बताएंगे। और ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रिज लेना है या नहीं लेना है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो पूरा देखिए और फिर चॉइस कीजिए आपको फ्रिज लेना है। दोस्तों, ये हायर कंपनी का फ्रिज है, कंपनी ने इसे 3 स्टार दिए हैं। कंप्रेशर की सिर्फ 10 साल की वारंटी है। ये अंदर से है इसकी डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। ये ऊपर का है, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री ऊपर का तापमान रख सकते हैं हम। अब ये नीचे का है, माइनस में आता है नीचे का फ्रीजर का, ये -21 तक जाता है। इसके 21 के बाद इसके अंदर आएगा सुपर फास्ट कूलिंग। नीचे जो फ्रीजर के अंदर है वो सुपर फास्ट कूलिंग आएगी। अगर ऐसा पे रखते हैं ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ये -13 से स्टार्ट होता है और 21 तक जाता है। और ये दूसरा स्विच है सेव एनर्जी का, इसे 3 सेकंड दबाने पर ये सेव एनर्जी का सिंबल आने लगता है। और ये नीचे फ्रीजर है। तो आज हम इस फ्रीजर के जो एडजस्ट फैन लगा हुआ है उसे हम खोल के देखेंगे कि क्या इसके अंदर लगा हुआ है और क्या ये सुपर फास्ट कूलिंग देता है या कुछ अलग है इसके अंदर, वो आज हम इसे खोल के चेक करेंगे। कंपनी ने तो दोस्तों मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये इसकी कूलिंग कॉइल है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और ये इसका एडजस्ट फैन है। कॉइल जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी है नहीं, जितनी नॉर्मल सी है कॉइल, कुछ विशेष है नहीं इसके अंदर। कंपनी जिस तरह से सुपर फास्ट कूलिंग लिखा हुआ था वैसे मुझे लगा कि कूलिंग कॉइल कुछ ज़्यादा स्पेशल होगी या कुछ अलग डिज़ाइन होगी उसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैंने इसे ओपन इसलिए किया था, मैंने देखा कि इस पर सुपर फास्ट कूलिंग है, कूलिंग में कुछ विशेष होगा, कोई फ़ैन अलग से लगा होगा जिससे कूलिंग अलग देती होगी, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो आम फ्रिज होते हैं वैसे ही कूलिंग है इसके अंदर। दोस्तों इस फ्रिज में जो प्रॉब्लम आई थी वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी जो PCB है ये ख़राब हो गई थी तो मैं इसे रिपेयरिंग करके लेके आया हूँ। ये इसकी रिले है, रिले ख़राब हो गई है तो मैंने इसकी रिले अभी चेंज कर दी है। पहले कस्टमर ने कंपनी को कॉल किया था, वहाँ से हायर के टेक्नीशियन आए, उन्होंने कहा कि ये जो PCB है ये ख़राब हो चुकी है तो ये चेंज होगी। तो टेक्नीशियन उन्होंने कहा कि इसका खर्चा 4000 रुपये आएगा और जो विजिट चार्ज है वो अलग है। तो कस्टमर ने कहा इसकी 10 साल की गारंटी है। तो फिर टेक्नीशियन ने कहा कि सर इसकी कंप्रेशर की 10 साल की वारंटी है ना कि PCB की 1 साल की गारंटी है और आपको 1.5 साल हो चुके हैं तो अब आपको इसका चार्ज है वो आपको देना होगा। फिर कस्टमर ने मुझे कॉल किया, फिर मैंने चेक किया तो इसकी PCB ख़राब थी। तो PCB मैंने इसकी रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग करवा के इसकी ओवरलोड वगैरह वो चेक किया तो ओवरलोड वगैरह वो ख़राब हो गई थी तो मैंने इसकी वो चेंजिंग की। ये इसका कंप्रेशर है, जो नॉर्मल कंप्रेशर है वही है इसका कंप्रेशर है। जो DC कंप्रेशर आता है वो नहीं है, ये जो नॉर्मल कंप्रेशर है वही है, ये एम्पेयर कम पे चलता है। पर जो इन्वर्टर कंप्रेशर होता है वही नहीं है, ये कंपनी ने सिर्फ नॉर्मल कंप्रेशर ही दिया है। और मैंने इसमें ये इसकी पुरानी वाली रिले है जो ओवरलोड जो ख़राब हो चुकी है तो मैंने इसे चेंज कर दिया है। ये इसका मॉडल नंबर है BM मॉडल। तो इस फ्रिज में कुछ ज़्यादा दम है नहीं और ये कुल मिला के ठीक ठाक है, वैसे कुछ खास है नहीं इसमें। दोस्तों इस फ्रिज में मुझे कुछ अच्छा लगा तो वो है इसका ये मॉडल। ये इसका मॉडल बहुत ही अच्छा है और इसमें ये जो अंदर की डिस्प्ले ये भी बहुत अच्छी है और ये जो कांच है और नीचे का है वो
सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो इसका ये जो फिनिशिंग है वो बहुत बढ़िया है और दिखने में भी सुंदर है।